तो गाइज आज जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे कुछ पुराने वर्ल्ड। सो ये वीडियो जो है काफी नॉस्टैल्जिक होने वाली है पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए भी, एंड जो नए हैं उनको भी मैं अपने कुछ पुराने वर्ल्ड्स दिखाऊंगा। इस वीडियो में जो है हम तीन वर्ल्ड्स देखेंगे, जो एक है एक साल पुराना और एक जो है दो से ढाई साल पुराना, एंड एक जो वर्ल्ड है मेरा वो छह साल पुराना है। एंड या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इंडिया। तो गाइज वेलकम टू द फर्स्ट वर्ल्ड जो कि है माइनक्राफ्ट गाइड सीजन वन का वर्ल्ड। ये रहा वो भाई, ये सीरीज यार क्या दिन हुआ करते थे। वो वीडियोस बनाना इतना आसान हुआ करता था, मैं दिन की एक वीडियो अपलोड करता था और आठ महीने तक मैंने जो है डेली अपलोड्स करे हैं भाई, क्या दिन हुआ करते थे। इसमें मैंने एक एक ब्लॉक भी प्लेस करा है उस तक की वीडियो बनाई है भाई मैंने सीरियसली, एंड अभी तक कोई ऐसी सीरीज नहीं आई। हार्डकोर मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी लगती है हार्डकोर सीरीज जो अभी चल रही है हमारी, लेकिन यार अभी तक यार इस भाई ये अलग ही चीज़ थी यार सच में। ओ माय गॉड भाई नॉस्टैल्जिया से भरा पड़ा हूँ इस टाइम में। सो आप लोगों को पहले यहाँ पे थोड़ा सा टूर करवा देता हूँ, ऊपर चलते हैं, ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है वर्ल्ड। सो ये देखो भाई कितना मस्त लगता है यार ये वर्ल्ड सीरियसली। ओ माय गॉड भाई इंडिया में अगर आपको माइनक्राफ्ट सीखना है ना तो इंडिया में आई डोंट थिंक सो किसी ने भी इतनी अच्छी सीरीज बनाई है इतने डिटेल्स में, रेडस्टोन बिल्डिंग वगैरह सब कुछ कवर करा है मैंने इस सीरीज में। 55 एपिसोड की सीरीज है, ऊपर प्लेलिस्ट वगैरह आ रही होगी, आई कार्ड में जाके देखना है तो देख सकते हो आप। एंड ये देखो भाई हमारा हड्डी स्टार यार, ओ माय गॉड, हमारा पिक स्टार भी हुआ करता था लेकिन वो मर गया था पता नहीं किसी वजह से। यस तो यार दिस इज हड्डी स्टार, ये कुछ पुराना स्टफ पड़ा है। ओह माय गॉड ये पता है कहाँ, आई थिंक ये अभी मेरे को याद नहीं हमारे पास कैसे आया था, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है। ओके एंड यस ये रहा मेरा पुराना हाउस, एंड यहाँ पे ये देखो भाई ये कस्टम ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड या भाई ये वर्ल्ड जो है एक डेढ़ साल पुराना है, एक साल तो आराम से हो गए इस वर्ल्ड को, ज़्यादा ही हो गया उससे तो। ओके एंड ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को कस्टम ट्री, बताना बाय द वे वर्ल्ड्स कैसे लग रहे हैं भाई। तो मैं ये पता है वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, यस ये वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है एक साल पहले, बट ये पता क्या अब काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं तो मैंने सोचा उनके लिए उनको भी दिखा देता हूँ कि यार हमने क्या कुछ करा था पिछले दो साल के यूट्यूब के सीन में इसमें। सो या ये सब रहा ये हमारा रहा पहला वर्ल्ड, तो इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को टूर दे देता हूँ। ये रही हमारी स्टोरेज बिल्डिंग, देखो भाई बताना कैसी लग रही है। एंड ओ ये दो एक स्टैक डायमंड्स भाई, ये तो मैं पता क्या हार्ड कोर में एक घंटे में कलेक्ट कर लेता हूँ, इससे ज्यादा डायमंड्स तो ये मैंने पूरी सीरीज में करे थे उस टाइम। ब्रो भाई बैक इन द डेज वीडियोस बनाना इतना आसान था ना यार, दिन में एक वीडियो अपलोड करता था और मैं हफ्ते के अंदर ही जो है मैं अभी एक वीडियो अपलोड करता हूँ, बिकॉज ज्यादा बंदे देखते हैं तो यार कंटेंट को इतना ज्यादा चेंज करना पड़ता है मेरे को सीरियसली। और क्या ही बोलूं मैं शब्द नहीं निकल रहे मुंह से, लेकिन यार कंटेंट बहुत ज्यादा चेंज हुआ है तुम्हें पता ही है, ओवर टाइम कंटेंट कितना बढ़िया हो गया अब। एंड या बस मैं बस कंटेंट बनाना चाहता हूँ एंड भाई बना रहा हूँ अभी। एंड चलो आप लोग भाई ये क्यों गिरा रहा हूँ मैं। सो ये देखो ये रहा जो बिल्डिंग जो है अनकम्प्लीट है, बिकॉज इसके बाद है मेरे को एक SMP वगैरह ज्वाइन करनी पड़ गई थी, वो बात हम छोड़ते हैं, वो बात नहीं करेंगे हम, उसकी बात छोड़ो। सो या यहाँ पे जो आके मैंने अपने एपिसोड्स वगैरह को खत्म कर दिया था, यानी कि हमारा एंड हो गया था इस बिल्डिंग में जो मैंने अभी दिखाई आप लोगों को। तो गाइस ये रहा मेरा ट्रेडिंग हॉल, मैं दिखाता हूँ, देखो पिस्टन वाला डोर लगा हुआ है इसमें, अच्छे से वर्क कर रहा है अभी। और ये रहे हमारे ट्रेडर्स, एंड ये मुकेश नितिन नील भाई क्या नाम रखे भाई मैंने, ये क्या नाम रखे हैं, वे इनका क्या नाम है, रामपाल रामलाल, हाँ हम कहाँ है टिंकू छोटू भाई, कितना नॉर्मी हुआ करता था यार मैं पहले। ओके सो देखो गाइस ये आ चुके हैं हम नेदर में, एंड ये नेदर भाई ठीक ही लग रहा है मेरे को, लगता है इतना कुछ खास नहीं दिख रहा लेकिन यार ठीक ही लग रहा है अभी के लिए तो। सो या ये रहा हमारा एक साल पुराना वर्ल्ड, एंड अब चलते हैं हमारे ढाई साल पुराने वर्ल्ड में, एंड वहां पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या चल रहा है। तो गाइज वेलकम टू बल्कीज एडवेंचर्स, ये रहा मेरा ढाई साल पुराना वर्ल्ड, इसके अंदर मैंने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करी, यानी ज्यादा नहीं खेला हूँ इसके अंदर मैं, लेकिन जो अगला वर्ल्ड आने वाला है उसमें बहुत ज्यादा खेला हूँ तो उसके लिए वेट करना। तो अभी मैं आप लोगों को इसका टूर दे देता हूँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। सो ये देखो ये रहा मेरा वही अपना क्लासिक डिजाइन हाउस का, एंड ये दिखाता हूँ पहले अंदर जाके, ये थोड़ा सा मैंने जो है मेंटेन करा हुआ है, ये देखो यहाँ पे चेस्ट वगैरह में सामान पड़े हैं, एंड इधर वगैरह डायमंड, ये तो ओके वुड वगैरह पड़ी है यहाँ पे, ओके डायमंड पड़े हैं एक स्टैक, नाइस नाइस सही चल रहा है अपना। एंड यहाँ पे मैप्स वगैरह हैं भाई, मतलब ये वर्ल्ड में मैं खेला हूँ पर ज्यादा नहीं खेला, तो इसमें जो आपको प्रोग्रेस दिख रही है यहीं पे है, यहाँ पे कुछ फार्म्स एंड ये रहा बीज, जब बीज लॉन्च हुई थी ना बेटा में जब थी, या जब भी बेटा में थी ना बीज, तब मैंने इस वर्ल्ड को बनाया था, एंड बीज अपडेट को शायद ढाई साल से ऊपर हो चुके हैं,
तो ये वर्ल्ड काफी पुराना है, इसमें ज्यादा नहीं खेला मैं, लेकिन मैंने जो शेडर के रिव्यूज करा करता था वो इसी वर्ल्ड में करे हैं। अपना ये रहा वाइन फार्म। ओके तो गाइस ये देखो, ये हमारा एन्चेंटिंग वगैरह का सेटअप है यहाँ पे, एंड ये रही देखो हमारी वीट फील्ड है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा मैंने ब्रिज बनाया हुआ है। तो आई थिंक यार इस वर्ल्ड में दिखाने को बस यही था, ज्यादा कुछ और नहीं है। साइड में काउ फार्म है। तो यार अब बस चलते हैं, आपको 6 साल वाला वर्ल्ड दिखाता हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वर्ल्ड डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो एंड तक देखना इस वीडियो को। सो गाइज वेलकम टू डैब ऑन हेटर्स लिट वर्ल्ड, जो कि है मेरा 6 साल पुराना वर्ल्ड। एंड यस, नाम देख के पता लग रहा है डैब ऑन हेटर्स, मतलब 16-17 वाला ट्रेंड चल रहा है, 2016-17 वाला। एंड ये देखो, ये रहा मेरा वो वर्ल्ड, एंड इसकी जो वीडियोस अब मैंने बनाई हैं इस चैनल पे, लेकिन बहुत पुरानी वीडियोस हैं भाई वो। लाइक ये फार्म, ये तो फार्म शायद अब वर्क भी नहीं करता होगा। एक बार अंदर जाके देखते हैं कि अब तो शायद ये वर्क करता हो भाई, पक्का नहीं पता मेरे को। एंड मेरे को याद है इस वर्ल्ड को मैंने बनाया था एक्वाटिक अपडेट से भी, एक्वाटिक अपडेट से पहले या नहीं, अक्वाटिक अपडेट के बीटा में, यस अक्वाटिक अपडेट के बीटा में मैंने इस वर्ल्ड को बनाया था। तो बीटा की वजह से इसमें काफी सारी दिक्कत हुई थी वर्ल्ड में, कहीं कहीं जगह से थोड़ा बहुत करप्ट भी है ये। सो या एंड डाउनलोड करना है तो मैं बता दूंगा कहाँ से करना है, वीडियो का एंड तक देखो बताता हूँ। पर थोड़ा सा भी जो है टूर करते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा हमारा देखो इसके अंदर सभी, ये कहाँ से आया, तो इसके अंदर सामान अभी रखा हुआ ओके है, ओके गोल्ड वगैरह पड़े हैं इसमें। एंड ये दिखा देता हूँ मैं, ये शायद क्या चीज़ है, मेरे को खुद याद नहीं भाई कौन सा फार्म है ये। ऊपर चलते हैं, शायद मोब फार्म है, लेट मी चेक भाई कौन सा फार्म है ये। ओके तो ये जो है क्रीपर फार्म है, एंड आई थिंक ये मेरा सेल्फ डिजाइन था, थोड़ा चेंज करा था डिजाइन में मैंने नेवी नेक्सस के, बट या ये भी सेम डिजाइन है अपना। तो गाइस ये आ गए हम बेस पे, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहे हमारे यहाँ पे पम्पकिन और मेलन फार्म छोटा सा। और अभी जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ऑटोमेटिक पोशन ब्रूअर मशीन है, ये देखो भाई अभी तक चलती है, ये 100% अभी तक वर्क करती है। दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे कि जिसका भी पोशन बनाना है मेरे को बटन दबाना है और पोशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो बनना स्टार्ट हो गया, एंड यहाँ पे पीछे बोतलें होंगी ये रखी हैं, और यहाँ पे सामान होगा। यस भाई काम करता है भाई सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो गाइस बिना बोर करे आप लोगों को मेन चीज पे आता हूँ मैं भाई, ये बिल्डिंग को देखो यार, लाइक इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल बिल्ड है ये। एंड अंदर देखो भाई, ये मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पे, और जो है लगाई हुई है वॉल्स की जगह पे। और भाई इसके अंदर मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस इसको बना के छोड़ दिया था, सामान पड़ा कुछ, एंड ऐसे रहा सामान। एंड भाई मतलब क्या ही सुंदर लगती है यार ये वाली बिल्ड, काफी अच्छी लगती है मेरे को ये। एंड आई थिंक भाई स्नो भी होने लग गई। ओके ये रहा शुगर केन फार्म है यहाँ पे, एंड आई थिंक इधर काउ फार्म, या ऐसे ही रहा यहाँ पे काउ फार्म है भाई, बड़ी मुश्किलों से ऊपर लेके आए थे इन काउस को। एंड यहाँ पे जो है नीचे एक स्पाइडर फार्म है, बस उसको क्या देखना। सो यार नीचे नॉर्मल से ये यहाँ पे दिखाई देता हूँ मैं लगे हाथ, और क्या यहाँ पे भी दिखाई रहा हूँ, तो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये देखो ये रहा स्पाइडर फार्म, स्पाइडर भी आ रहे हैं इसमें। सो या यहाँ पे कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है। सो आई थिंक अब हमारा जो है ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड हो ही चुका है, फालतू में बाकी चीजें नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। एंड सो अब तुम लोगों को डाउनलोड लिंक चाहिए तो मैं बता देता हूँ, माइनक्राफ्ट गाइड का जो है डाउनलोड लिंक तुम्हें मिल जाएगा पिन कमेंट में। लेकिन लेकिन जाने से पहले आपको जो सेकंड और थर्ड वर्ल्ड है हमारा, उसका मैं लिंक नहीं दे सकता, बिकॉज वो दोनों वर्ल्ड जो है करप्टेड है, तो सिर्फ पहले वर्ल्ड का मिलेगा, तो उसको जाके डाउनलोड कर लेना। एंड या आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने बेडरॉक वर्ल्ड में जो है 100 डेज सर्वाइव करें, यस ऐसे ऐसे वर्ल्ड में जो बेडरॉक से पूरा कवर है उसमें 100 डेज सर्वाइव करें, जाके देखो। एंड मिलता हूँ, गुड बाय बॉयज।